क्या 2019 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा विपक्ष? क्या मायावती ने सोनिया के अरमानों पर पानी फेर दिया? मिशन 2019 को लेकर देश में अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने की अपनी कवायद शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस का ये अरमान परवान चढ़ता उससे पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोर का झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में 17 एनडीए विरोधी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं से क्षेत्रीय मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होने की अपील की। हालांकि इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा एनसीपी से शरद पवार, एनसी से फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी से मीसा भारती, सीपीएम नेता डी राजा, एसपी नेता रामगोपाल यादव, जेडीयू से अलग हुए शरद यादव, आरएलडी के अजीत सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती इस बैठक से दूर ही रहीं। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में नजर नहीं आया। उधर इस बैठक के बाद सियासी गलियारे में एक बार फिर से विपक्षी दलों का साझा मोर्चा बनाए जाने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। हालांकि पहले ये खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी मोर्चा बनाने को लेकर शरद पवार, ममता बनर्जी समेत कुछ अन्य नेता असहज हैं। शरद पवार ने तो अपने स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब सोनिया ने विपक्षी दलों को एक मंच पर इकट्ठा कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले विपक्षी मोर्चे की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। लेकिन मायावती की गैर मौजूदगी से विपक्षी एकता की कवायद को जोर का झटका लगा है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।